अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर क्वाइट फाइन। टुडे इज 9th May 2020 एंड टुडे इज सैटरडे। फॉर योर टुडे इज साइंस लेक्चर, द मटेरियल फॉर लर्निंग दैट हैव बीन मेंशन योर डेली स्केड्यूल डायरी इज द शॉर्ट क्यू नंबर 14, 15 एंड 16। हिस्ट्री शॉर्ट क्यूज आर मेंशन इन योर डायरी फॉर योर टुडे इज लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 9। एमटीए फॉर राइटिंग इट्स द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, it's very important chapter for examination point of view, as for long question as well as short questions. So make it short, learn by heart all these short cues and the long question, so that at the end you can't face any problem. So let's start our today's lecture, the chapter number 9, whose name is the forces and machines. It's short cue number 14 is, can you explain the use of two pulleys with example? Ke humne two pulleys ki example batani hai. Sometime two pulleys work in such a way that they are connected with a belt. One pulley moves and causes the other pulley to move. For example, in a water pump, a small pulley is attached to a motor. इनके हमने sometime कुछ pulleys इस तरह से work करती हैं कि वो belt के साथ connect हो जाती हैं, यानी कि जिसमें fixed pulley भी होती है और movable pulley भी होती है। और इसमें best example के लिए है, वो है water pump के लिए। उसमें उन्होंने ये बताया कि small pulley जो है वो attached होती है motor के साथ when motor runs, यानी कि जब motor को run किया जाता है। ये water pump जो है हमें से हर एक के घर में मौजूद है और हर एक में ही इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो वाटर पंप में जो है वो पुली की ली गई है कि जब उसको स्मॉल पुली जो होती है वो उसमें मोटर के साथ अटैच होती है और जब मोटर रन करती है तो स्मॉल पुली मूव्स, तो उससे क्या होता है कि स्मॉल पुली मूव करती है एंड कॉजेज द लार्ज पुली टू मूव, जिससे कि पानी का वो एक्सट्रैक्ट आउट करती है थ्रू ए पाइप्स टू द टैंकी। यानी कि इस तरह से वो क्या है, पानी जो है वो वाटर पम्प जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करता है ज़मीन से। सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्यू नंबर 15, दैट वन इज़ द डिफाइन अ गियर। ये हम बहुत ब्रीफली पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि गियर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास बेसिकली एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म है व्हील एंड एक्सल की। गियर में गियर व्हील के क्या होते हैं, बेसिकली टीथ होते हैं, दांत होते हैं अराउंड इट। द टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिट इनटू द टीथ ऑफ अनदर गियर, यानी कि इसको हमने ड्राइविंग गियर और ड्राइवन गियर कहा था। इन दोनों के टीथ जो है वो बेसिकली एक दूसरे के टीथ में फिट आउट होते हैं, क्योंकि वो इस वजह से होते हैं। उसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि एक गियर के मूव करने से दूसरा गियर जो है वो मूव कर रहा होता है। सो इस वजह से इन दोनों के टीथ जो है गियर के वो एक दूसरे में फिट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 16 है, दैट वन इज़ द राइट द यूज ऑफ द गियर्स, कि हमने गियर्स के कुछ से दो इस्तेमाल बताने हैं। ये हम कल भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास बेसिकली ये जो गियर जो है हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए फोर्स को फ्रॉम वन व्हील टू द अनदर। यहाँ पर मैंने अभी ये बात की कि इन दोनों के टीथ जो है एक दूसरे के टीथ में फिट होते हैं ताकि वो क्या है, मूव आउट कर सकें, फोर्स को एक व्हील से दूसरे व्हील की तरफ ट्रांसफ़र कर सकें। सो नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास जो पॉइंट है, दैट वन इज़ द दे कैन आल्सो इंक्रीज और रिड्यूस द स्पीड, के इसकी वजह से हम स्पीड जो है, रफ्तार जो है, उसको भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बेसिकली दो इस्तेमाल आते हैं गियर्स के, कि फर्स्ट वन है कि फोर्स को हम एक व्हील से दूसरे व्हील में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास जो यूज़ है वो ये है कि हम स्पीड को इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू अ गियर। सो हमारे पास मटेरियल जो है राइटिंग के लिए, दैट वन इज़ द लास्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9। इट्स अ राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग ऑफ अ हैंड ड्रिल एंड अ बाईसाइकिल, कि हमने हैंड ड्रिल और बाईसाइकिल की वर्किंग बतानी है कि हमारे पास बेसिकली किस प्रिंसिपल के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग पढ़ते हैं पहले हैंड ड्रिल की। ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि वुड लकड़ी वगैरह में ना होल्स वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स। इसमें क्या है कि इसमें भी गियर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं हैंड ड्रिल में भी, बाईसाइकिल में भी, कि इनके एक गियर के मूव करने से दूसरा गियर जो है वो मूव कर रहा होता है। व्हेन इट्स लार्जर गियर इज़ रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन, वो क्या है कि अगर हम अमूदी सिमत में इसके लार्जर गियर को रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवन गियर को, अगर हम ये है हमारे पास ड्राइवन गियर, इसको हम वर्टिकली मूव करवाते हैं तो इसकी मूवमेंट से जो हमारे पास जो स्मॉलर गियर जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्लेन में, हॉरिजॉन्टल उफकी प्लेन में वो क्या करता है, मूव करता है। जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा तो इस तरह से क्या होगा, ये जिसको हम लकड़ी वगैरह में जब इसको हम डालते हैं अंदर पुश आउट करते हैं तो उसमें क्या कर देता है, बेसिकली उसी फोर्स के थ्रू ये क्या करता है, सुराख कर देता है, होल्स कर देता है।
नेक्स्ट वन हमारे पास जो वर्किंग ऑफ अ बाईसाइकिल है कि बाईसाइकिल बेसिकली चलती कैसे है, ये भी हमारे पास इसमें भी टू, ये भी बेसिकली गियर्स पे ही कंसिस्ट आउट हो रही होती है, एक ड्राइविंग गियर पे और एक ड्राइविंग गियर पे, जिसमें एक लार्जर वन गियर होता है और एक क्या जो होता है वो स्मॉलर या रेयर वन गियर होता है। योर मूव बाईसाइकिल मूव विद द हेल्प ऑफ अ गियर्स, टू गियर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय चेन, कि इसमें जो गियर जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय चेन, चेन के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। द चेन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द स्मॉल गियर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द बिग गियर, यानी कि जो बिग गियर होता है उसी के डायरेक्शन में स्मॉल गियर को मूव कराने के लिए क्या करती है, चेन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, मेन जो पार्ट है वो प्ले कर रही होती है। द फ्रंट गियर इज़ अ लार्ज व्हील विद द टीथ इन द पैडल इज फिटेड, यानी कि पैडल के पे जहाँ पे पैडल फिट होता है उस लार्ज गियर में बेसिकली क्या होता है, चेन जो है वो फिट होती है, और इसमें टीथ होते हैं, इसकी टीथ के साथ जो है वो ये चेन जो है वो जुड़ी होती है, और बिल्कुल इसी तरह स्मॉलर गियर के टीथ के साथ भी ये चेन जो है वो जुड़ी होती है। द रेयर गियर इज़ अ स्मॉल टूथड विच इज़ प्रेजेंट इन द रेयर व्हील ऑफ द बाईसाइकिल, व्हेन यू पैडल द बाईसाइकिल यू टर्न द बिग गियर, कि जब भी हम पैडल करते हैं, पैडल घुमाते हैं साइकिल का, तो क्या करते हैं कि हम बिग गियर को क्या कर रहे होते हैं, टर्न आउट कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। द बिग गियर टर्न्स द चेन, इससे क्या होता है, ये बिग गियर जो है वो चेन को टर्न करता है, इस चेन की मूवमेंट के साथ साथ, टर्न करने के साथ साथ भी टर्न द रेयर स्मॉल गियर, जो कि चेन जो है वो मूवमेंट पॉसिबल बनाती है स्मॉलर गियर के भी, स्मॉलर रेयर गियर की भी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है जब लार्जर व्हील जो है वो लार्जर गियर जो है वो टर्न करता है उसकी मूवमेंट के साथ, उसके साथ जो चेन लगी होती है वो चेन जो कि कनेक्टेड होती है, लिंक्ड होती है स्मॉलर गियर से भी, वो क्या करती है, वो स्मॉलर जो गियर होता है उसको भी, उसकी मूवमेंट को भी पॉसिबल बनाती है। इससे क्या होता है, व्हेन द स्मॉलर गियर टर्न्स द बाईसाइकिल मूव्स फॉरवर्ड, तो क्या होता है कि जब ये स्मॉलर वन गियर जो है वो टर्न करता है, घूमता है, मूव करता है, तो साइकिल क्या करती है, मूव फॉरवर्ड करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी वन क्वेश्चन, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई कर दिया गया है। सो होप सो कि इस स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, या होगी तो रिमूव आउट हो चुकी होगी। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।